शिरडी के साईं बाबा के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उनके दर्शन तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। वजह चाहे कोई भी हो, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं तो आपको VIP पास कैसे मिलेगा। देख रहे हैं वैदिक TV, राधे राधे, सभी का स्वागत है। कहते हैं जब बाबा बुलाते हैं भक्त तभी आते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए हर रोज लाखों की संख्या में शिरडी पहुँचते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी लोग हैं जो लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं और काफ़ी कोशिश के बाद बाबा का दर्शन करते हैं। लेकिन बाबा के दर्शन में इतना संघर्ष करने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास VIP पास है? श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालु साईं संस्थान की ओर से उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिरडी के साईं बाबा के दर्शन, आरती, पूजा और दूसरी सेवाओं और सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ निर्देशों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। चलिए आज आपको उसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, तो जो भी बाबा के भक्त हैं वो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। सबसे पहले नंबर पर श्रद्धालु मोबाइल नंबर और OTP पासवर्ड या फिर ईमेल ID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले शिरडी साईं बाबा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जब आप लॉगिन कर लें वहाँ पर आपका अकाउंट तैयार हो गया। इसके बाद फिर इस्तेमाल में लाया गया एक मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अलग अलग अकाउंट के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी एक व्यक्ति को अपना नंबर या ईमेल आईडी एक ही अकाउंट के लिए इस्तेमाल करने की सुविधा है। आप आईडी पर लॉगिन करें। इसके बाद श्रद्धालुओं के बारे में जो भी आपकी आवश्यक जानकारी है, आपका नाम, पता, आईडी प्रूफ, बुकिंग सेवा, सब कुछ उसमें अपडेट कर दें। साथ ही फोटो पहचान के लिए किसी भी एक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी आप एंटर कर दें। इसे शिरडी आने पर वेरीफाई किया जाएगा। ईमेल आईडी माय प्रोफाइल में अपडेट करना होगा। अगर श्रद्धालु लॉगिन करना चाहें तो ईमेल के ज़रिए आप बात भी कर सकते हैं, तो इसी के लिए आपको ईमेल आईडी ज़रूरी बनवानी है। एक बार जब श्रद्धालु माय प्रोफाइल के माध्यम से ईमेल अपडेट कर लेता है तो ईमेल वैलिडेशन के लिए एक वैलिडेशन लिंक भेजा जाता है। बिना लॉगिन किए श्रद्धालु सिर्फ सेवाओं की उपलब्धता चेक कर पाएंगे। इनका एक्सेस के लिए आपको लॉगिन करना बेहद ज़रूरी है। जिन श्रद्धालुओं को मोबाइल OTP सेवाओं का एक्सेस नहीं है वो रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है जो ऑनलाइन बाबा की बुकिंग करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने आपको प्रोसेस बताया है, आप चाहें तो ऐसे ऑनलाइन बुकिंग करके VIP पास का अरेंजमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।